हे व्हाट्सअप, दिस इज ग्रीन पॉली गेम्स और ग्रीन पॉली गेम्स के चैनल एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास कॉस्मिक बाइट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरे पास कॉस्मिक बाइट का यहाँ पर मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये आज ही आ गया है। तो चलिए इसका पहले वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ पर टॉपिक पाते हैं। मॉडल यहाँ पर है CBGK11 ब्लैक आई और वायर्ड मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, ठीक है। अब इसके साथ कुछ कुछ की फीचर है यहाँ पर, मैकेनिकल गेमिंग ब्राउन स्विच है, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्राउन स्विचेस वाला मैंने लिया है, क्योंकि मैंने ब्लू स्विच नहीं लिया, क्योंकि वो फास्ट बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है, प्लस वो टाइपिंग के लिए बेस्ट होता है। प्लस ब्राउन कीज जो होता है वो गेमिंग और टाइपिंग दोनों के लिए बेस्ट होता है। प्लस इसमें मेरा ये रिस्ट रखने का ये मिल जा रहा था, तो बहुत ही अच्छा लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ हो जाएगा। प्लस इसमें RGB है बैकलिट। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ का ज़रूरत नहीं यार, ये पेन से ही ओपन कर लो। तो इसके साथ क्या क्या मिलता है मैं दूसरे व्यू में आपको दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। मैं व्यू चेंज करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बॉक्स को रख दिया है और सिंपल इसको ओपन करेंगे तो सिंपल पहले आपको ये मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये इसको की निकालने के लिए यूज़ होता है। और ये हमारा रिस्ट के लिए हो गया, इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ। ये प्लास्टिक है, या प्योर प्लास्टिक, और मुझे थोड़ा सा चीप प्लास्टिक प्लस 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 प्लस, आप देख सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दिखा, ये लगता है टूट चुका है हल्का सा, ये कुरियर का प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर कीबोर्ड है। और इसके साथ ही ये मैनुअल आता है, तो मैनुअल का ये डिटेल मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो इस पर बात आगे चलेगी। अब हम लोग मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है भाई, इसको निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्रेम में अगर नहीं आ रहा हो तो ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या जबरदस्त, इसको बोलते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। देख रहे हो भाई, शाइनिंग कर रहा, प्योर एल्युमिनियम ऊपर में दिया हुआ, बैक साइड में प्लास्टिक है, लेकिन ये वही प्लास्टिक है TVS में जो यूज़ होता है। प्लस बैक साइड से ये पुश करके इसको निकाल भी सकते हो। वाह भाई, आवाज़ के साथ लॉक होता है, तो निकालते हैं, ठीक है। की पे बाद में आएंगे, यहाँ पर ये ब्रेडेड केबल मिल जाता है। और मॉडल मैंने वही आपको बताया, CBGK11 ब्लैक आई, ठीक है। ब्रेडेड केबल के साथ साथ यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड आपको USB भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गोल्ड प्लेटेड का ये फ़ायदा होता है कि उसमें जल्दी रस्ट वगैरह नहीं लगता है, और वो तो आपके मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, और इसका की कैसा है भाई, ओ भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त है, आवाज़ सुनिए। तो चलिए इसको अभी टेस्ट करते हैं कि इसका RGB कितना बेहतर है और कितना अच्छा है। और ख़ास इसमें कुछ नहीं मिलेगा, और रिस्ट लगा ही लेते हैं यार, क्योंकि आपको भी दिखा दिया जाए। हालांकि ये थोड़ा सा टूटा हुआ, लेकिन ये दिख नहीं रहा, इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, इसके लिए मेरे को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आप सोच रहे हो ये होल क्या है भाई, वैसे मेरा जुगाड़ है वायर छुपाने के लिए। तो नेक्स्ट कभी मेरा पूरा सिस्टम का जब आएगा पूरा वीडियो, तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा ये कैसे मैंने अपना सेटअप किया है डेस्क को। इसका ये जो केबल हुआ, यार ज़रूरत से ज़्यादा हेवी है, मतलब और सब माउस के जैसे कि
इसका ये देखिए, इसका ये सॉफ्ट है पुराने वाला मेरा का, ये भी गेमिंग कीबोर्ड है आरजीबी वाला सर्कल का, लेकिन इसमें स्मूथ है ये चीज़ अच्छा। लेकिन इसमें ये देखो कितना मतलब हार्ड दे दिया है, इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए था थोड़ा। ये देखो स्मूथ है, ये कहीं से भी आराम से ईजी पार हो जाएगा। ये देखो ये एकदम खड़ा हो जा रहा टाइट, ठीक है देख रहे हो, तो ये बहुत ठीक हार्ड दे दिया है, हालांकि इतना हार्ड का ज़रूरत नहीं था। अब मैं ये कीबोर्ड में लाइट देने जा रहा हूँ और देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट इसका क्या रहता है। ये रूम में बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इसी के लिए हो सकता है आपको ब्राइट उतना ना दिख रहा हो, और मेरे को भी उतना इसका आरजीबी ब्राइट नहीं लगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन ये हो सकता है कि आपका ये स्लो हो, मतलब ये कहाँ गया ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, हाँ अब इसका ब्राइटनेस बढ़ गया है, पहले क्योंकि ये रूम में बहुत ज़्यादा इस पर लाइट यूज़ हो रहा है, इसी के लिए आपको ये सही सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है यहाँ पर। अगर मैं लाइट को ऑफ करता हूँ कुछ, देखते हैं क्या इफेक्ट रहता है। ये हो गया कम लाइट, ओनली एक लाइट जल रहा है वही छोटा सा, तो उसके बाद ये इफेक्ट आता है। अब प्लस ये आपको जो मैनुअल दिया गया है, मैनुअल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं लूज़ कर लेता हूँ वायर को, ठीक है ये यहाँ से पूरा की लाइटिंग हो रहा है। प्लस यहाँ पर बहुत सारा मोड दिया हुआ, बहुत ही ज़्यादा, मुझको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको समझने में टाइम लग गया। ये मैनुअल है, मैनुअल का बोलिएगा तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा। मैंने लाइट को कर दिया है कम, इस रूम में सिर्फ जल रहा है एक लाइट, ओनली एक लाइट ऑन है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि FN जो हो गया फंक्शन, प्लस ये होम बटन स्क्रीन लॉक, तो इसे ये मोड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा मोड दिया हुआ भाई, क्या बोले, जैसे ये हो गया तो कुछ भी प्रेस कीजिए कुछ इस टाइप का काम करेगा, ठीक है। अब उसके साथ FN के साथ अगर मैं होम करता हूँ तो वो कलर अलग चेंज कर जाएगा, मतलब यार समझ लो कि बहुत ही तगड़ा है। मैं पूरा कैसे एक्सप्लेन करूँ इसमें वीडियो में, वही समझ में नहीं आ रहा है। और इसका फास्ट स्लो या और फास्ट करना है, ये देखो कितना फास्ट हो गया एकदम, पूरा ही ख़तरनाक टाइप का, समझ रहे हो। और ये रेड हो गया, और ये ग्रीन, और ये ब्लू, और येलो, और कौन सा है पर्पल, ये हो गया आइस कलर बोले तो ब्लू, लाइट ब्लू। तो ये फंक्शन एक हो गया। अब आते हैं FN प्लस होम स्क्रीन, तो ये देखिए कुछ इस तरह का। अब इसका कलर चेंज करना है तो होम, ये फंक्शन प्लस होम को प्रेस करेंगे तो ये रेड, इस टाइप का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये देखिए सिर्फ ये लाइट है, अब इसको आपको ग्रीन पसंद नहीं, ग्रीन पॉली गेम्स ग्रीन पसंद नहीं तो आप इसको कुछ और कर सकते हो, ये सीरीज़ में यहाँ हो जाएगा। ये देखो गजब का भाई, और ये पूरा ऑन हो गया, इसमें जो प्रेस होगा वो ऑफ हो जाएगा, इस टाइप का बहुत सारा है। या सिर्फ येलो को ही ऑन रखना चाहते हैं तो इस टाइप का भी फंक्शन इसमें दिया हुआ है। और इसमें एक और मज़े की बात ये दिया हुआ है कि FN प्लस अगर हम ऑन करते हैं, सॉरी यार कीबोर्ड थोड़ा भारी है क्योंकि इसका प्रीमियम क्वालिटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से है। अगर इसको 3-2-1 फंक्शन के साथ अगर हम 2 प्रेस करते तो ये गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर ये ऑन हो जा रहा है, जो जो हम लोग यूज़ करते हैं WASD, मतलब वो हाईलाइट हो जा रहा है। और सारा का मेसअप करने के बाद फिर से आपको डिफ़ॉल्ट करना, तो फंक्शन के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा फंक्शन और स्किप, बस 1, 2, 3 तीन सेकंड के लिए इसको प्रेस करना, ये हो गया डिफ़ॉल्ट। अब सिंपल अब बात करते हैं कि ये कीबोर्ड मुझको लगभग 3,200 के आसपास पड़ा है, करते कि ये कीबोर्ड को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उससे पहले मैं करता हूँ लाइट्स ऑन, अब तो सवाल बनता है कि ये कीबोर्ड को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 3,000 इन्वेस्ट करके। अब मैं बात यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे एक और लिंक दूंगा, उस वो भी आपका गेमिंग कीबोर्ड है, तो वो 2000 से स्टार्ट होता है, MK 3000 में भी याद नहीं है नाम उसका, NTES पोर्ट का है, तो वो भी बढ़िया है। लेकिन उसमें यार उसमें की जो है, जैसे V जो लाइन हुआ ये लाइन, ठीक है,
ये जो लाइन हुआ वो उस पर ब्लू है, रेड है, मतलब वो फिक्स है, उसमें आप आरजीबी का यूज़ नहीं कर सकते। प्लस इसमें आपको मिल जाता है ब्राउन चेरी। मैं इसमें मोटा मोटी चीज़ बताता हूँ भाई, क्योंकि कुछ इसमें समझने लायक वैसा कुछ नहीं। एंटी होस्टिंग और ये सब जो है ना सिर्फ मार्केटिंग का फंडा है, समझे? तो इसको करो साइज़। ये सबसे पहला है कि फुल साइज़ मेरे को मिल गया, जिसमें नम पैड भी है और कुछ कुछ हाफ रहता है और 200 का फ़र्क रहता है। क्यों ना 200 मिला करके और पूरा फुल ले लिया जाए। तो सवाल ये करते हैं कि ये कीबोर्ड के बारे कि इसको सबसे पहले इसका केबल बहुत ही बढ़िया टाइप का केबल है, और यहाँ पर ये देखें पूरा एलुमिनियम का बिल्ड है, मेटल बिल्ड पूरा। प्लस इसके साथ यहाँ पर मिल जाता है रिस्ट आर्म कि जिस पे आप लॉन्ग टर्म ऐसे करके आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना मस्त काम कर रहा है। प्लस इसका साउंड, प्लस इसका स्मूथनेस, प्लस और मैं आपको बोलूँ यहाँ पर क्या बोलूँ यार, मतलब लगभग ये बेस्ट कीबोर्ड एंट्री लेवल का। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप इसको इन्वेस्ट करके इजी ले सकते हैं। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको बाय कर सकते हैं। रही बात इसको 10 में से कितना नंबर मिलेगा, तो इसको मैं देता हूँ 10 में से 8 नंबर, बिकॉज यहाँ पर इसका जो फंक्शन वगैरह सारा कुछ कीबोर्ड से है, लेकिन वो भी मेरे लिए ठीक है क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि ये मेरा माउस में है तो ये मैं डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसका सॉफ्टवेयर माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यार कि सब बैकग्राउंड में चल रहा है। तो मतलब मुझे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं ज़्यादातर पोर्टेबल ही टाइप का चीज़ पसंद करता हूँ कि कुछ पोर्टेबल मिल जाए, इंस्टॉल नहीं करना पड़े। तो ये मेरे लिए ठीक है, परफेक्ट है, और इसका केबल भी बहुत बढ़िया है। और बात किया जाए ये मैकेनिकल है, प्लस ब्राउन चेरी बटन के साथ आता है, तो भाई इस रेंज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे तरफ से बेस्ट है यार, अगर कुछ देर रुक जाओ, सिंघाड़ा उंगाड़ा खाना बंद करो, समझ में, उसका पैसा बचाओ यार, उसका पैसा बचा करके इसको बाय कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करो, और कमेंट भी कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है, नीचे जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।